सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से चल रही है, आप इसको देखें। इसमें कुछ मजदूर टाइप के लोग, मजदूर किस्म के लोग जो मकान की नींव खोदने के लिए, मकान तैयार करने के लिए, जब वो नींव को खोद रहे थे फाउंडेशन के लिए, गड्ढा कर रहे थे, तो उसमें उन्हें एक पत्थर की मूर्ति दिखाई दी जो गंधार कला की है, मर्दन या मर्दान नाम की जगह है। और यहाँ पर जो ये काले पत्थर हैं, बहुत बढ़िया ये मूर्ति लेटी हुई अवस्था में बुद्ध की दिखाई देती है जो गंधार कला की है। कुछ लोग इसको तोड़ भी रहे हैं, ऐसा एक क्लिप बार बार वायरल हो रहा है। और मुझे किसी ने ये क्लिप जान के भेजी कि आप इसको देखिए। जिसने भेजी है, मैं उसका मंतव्य, उसके जो मन का रोग है, जो मानसिक बीमारी है, वो मैं समझ रहा हूं। वो दरअसल मुझसे ये कहना चाहता है कि देखिए, जो लोग ये तोड़ रहे हैं बुद्ध की मूर्ति, ये बुद्ध के खिलाफ लोग हैं, बुद्ध के अगेंस्ट हैं और ये काम कर रहे हैं। और वो चाहता है कि मैं इस मूर्ति को देख के खूब प्रचारित प्रसारित करूं, जिससे कि उसका मंतव्य, उसके मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाए और लोगों में आपस में वैर बढ़ जाए, दुश्मनी बढ़ जाए। दरअसल जो लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं, मूर्ति बनाई भी उन्होंने ही है। गंधार कला में जितनी भी मूर्ति बनी है, वो आज के समय का जो पाकिस्तान है, जो अफगानिस्तान है, जो कश्मीर का एरिया है, जो ईरान का एरिया है, वो सारा का सारा एरिया कंधार में आता है। और वही एरिया के लोगों ने सबसे सुंदर मूर्तियां बनानी शुरू की और बनाई। ये उन्हीं में से एक है, क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में सभी लोग मूर्तियों का बहुत ज्यादा प्रचलन बाद में हुआ और शिलालेखों का प्रचलन हुआ, तो बाद तक मूर्तियां बनती रहीं और मूर्तियों में लोग अपने बुद्ध को ढूंढते रहे। तो जो लोग मूर्ति तोड़ रहे हैं, दरअसल उन्हीं के ही पूर्वजों ने वो सारी मूर्तियां बनाई हैं। वही लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से लाभ लेते रहे, उनकी शिक्षाओं का पालन करते रहे, अपने जीवन को बहुत आलीशान बनाते रहे। मगर जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं लुप्त हो गईं और उनको पढ़ाने वाले टीचर चले गए, तो उनकी जानकारी खत्म हो गई। उनको ये पता ही नहीं चला कि ये जो मूर्तियां हैं या जो ये शिक्षा है वो क्या थी और क्या नहीं, और वो बेशिक्षा के, बिना भगवान बुद्ध की जानकारी के जानवर के समान होते चले गए। जैसे बिना किसी जानकारी, बिना किसी ज्ञान के व्यक्ति बिल्कुल मूढ़ या मूर्ख या जानवर की तरह होता है। फिर जब इस्लाम का पदार्पण हुआ, जब मोहम्मद साहब की जो वाणी थी या मोहम्मद साहब की जो बातें थी, जब वो आई, तो वो बातें उन्हें और भगवान बुद्ध की बातें उनको सिमिलर लगी। उन्होंने वो बातें अडॉप्ट कर ली और वो बातें मानने लगे। मोहम्मद साहब के समय में 103 मूर्तियां काबा के अंदर हुआ करती थी, जिनको बुद्ध कहते थे। वो जो 103 मूर्तियां थी, उनको वहां से निकाल के फेंका, और जो बुद्ध परिस्थिति थी, यानी कि जो मूर्तियों के लिए परिस्थिति थी, या मूर्तियों के लिए जो पूजा था, या मूर्तियों के लिए जो अनुयायी थे, या मूर्तियों के जो भक्त थे, या जो मूर्तियों की पूजा करते थे, या मूर्तियों को मानते थे, यानी बुद्ध को मानना, बुद्ध परस्ती, उस बुद्ध परस्ती को बैन कर दिया गया। यहां तक कि मोहम्मद साहब की जितनी भी चीजें थी, उनको भी हटा दिया गया। बाद में लोग चीजों के अनुयायी ना बने, यानी मोहम्मद साहब की जो चीजें हैं या उनके इस्तेमाल की हुई जो चीजें हैं, लोग उनको ना मानने लगे, उनको ना पूजने लगे। जो मोहम्मद साहब ने ईमान लाने के लिए, सच्चाई लाने के लिए सही बातें बताई हैं, उनको माने। तो भगवान बुद्ध ने कब अपनी मूर्ति बनाने के लिए कहा और कब भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी? दरअसल जो बुद्ध की शिक्षा है और जो मोहम्मद की शिक्षा है और जो ईसा मसीह की शिक्षा है, तीनों की शिक्षा एक ही है। और तीनों ही ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मूर्ति को या बुद्ध को या स्टैचू को या आइडोल को बनाना है या उसकी बात माननी है या उसको पूजना है, और जो हम बता के जा रहे हैं इसको नहीं मानना है, और बताने वाले के सब चीजों को मानना है, पूजना है, मगर जो जानकारी दी है उसे नहीं मानना है। यानी आप कपड़े को मानोगे, उसके जूते को मानोगे, उसके बाल को मानोगे, उसके चेहरे को मानोगे, वो कैसे बैठा उठा, इसको तो मानो। इसको कहते हैं बुद्ध परस्ती, इसको कहते हैं आइडल वर्शिप, इसको कहते हैं मूर्ति पूजा, इसको कहते हैं जो भी चीजें हैं उनकी वस्तु पूजा। तो पत्थर पूजा, वस्तु पूजा, किसी भी जो संत है, चाहे वो ईसा मसीह है, चाहे बुद्ध है, चाहे वो मोहम्मद पैगंबर हैं, उन्होंने नहीं आरंभ की, ना ही कहा।
कहीं एक शब्द भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी इन तीनों में से किसी ने भी कहा हो कि मूर्ति बनाना और मूर्ति को मानना बातों को मत मानना। तो जो लोग मूर्तियां बना रहे हैं और जो लोग मूर्तियों को पूज रहे हैं वो दरअसल संत की बातों को जानते तो है नहीं। इसलिए मूर्ति को तोड़ना क्या, मूर्ति को बनाना क्या, मूर्ति को लगाना क्या, मूर्ति को पूजना क्या, पत्थर को क्या बनाना, पत्थर को क्या पूजना, पत्थर को क्या रखना। काबा से इसलिए 103 जो पत्थर की बुद्ध थे उनको निकाल दिया और बुद्ध प्रस्ती बैन हो गई। ये बात की कहानी है, क्योंकि बुद्ध के समय अगर मूर्तियां होती तो वो भी शायद बैन कर देते, क्योंकि बुद्ध के समय तक तो कोई धातु वगैरह इतनी खास थी नहीं, तो छीलने छलने का कार्यक्रम था नहीं, तो पत्थर को छीले कैसे। इसलिए वहां स्तूप बना करते थे, स्तूप यादगार के लिए कि यहां हमारे एक संत रहे हैं और संत ने बहुत अच्छी बात बताई है। तो कहीं कोई चट्टान खड़ी कर दी, कहीं कोई ईंट खड़ी कर दी, कहीं मिट्टी का ठेला बना दिया, कहीं ढेला बना दिया। और साफ कहा गया कि आपको इनके गुणों को याद करना है। ये कैसे थे वो तो आपको दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक स्मारक है। स्मारक मतलब स्मृति का जो चीज बनी हुई है वो है। तो जो मूर्ति तोड़ रहा है उससे बुद्ध के अनुयायियों पे लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई मूर्ति बनाए उससे भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बुद्ध का कोई भी अनुयायी बुद्ध परस्त नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। जो मूर्ति पूजा करता है या बुद्ध परस्त है वो कहीं भी इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि भगवान बुद्ध ने मूर्ति पूजा के लिए या बुद्ध परस्ती के लिए या आइडोल के लिए कहा गया है। जब ये भगवान बुद्ध ने कहा ही नहीं, उस समय कोई मूर्ति नहीं, बाद में भी नहीं कहा, इसलिए उनका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को ये समझाने के लिए कि देखो बुद्ध कैसे विपसना साधना में बैठ के सच्चाई को खोज रहे हैं, किसी बच्चे को ये दिखाना कि देखो कैसे कोई एक क्रॉस है, इस क्रॉस पे एक सच्चे आदमी को टांगा गया, मारा गया, इस क्रॉस का रेस्पेक्ट करो, किसी बच्चे को कहानी के रूप में ये समझाना कि देखो हाथ अगर ऐसे उठेगा तो क्या मतलब है, ऐसे होगा तो क्या मतलब है, ऐसे होगा तो क्या मतलब है, इसका मूर्ति बना के समझाना, इसका मतलब अलग है। पर किसी बच्चे को ये कहना कि तुम दोनों हाथ जोड़ के और अपनी आंख बंद करके और झुक जाओ इसके पैरों में, बस तुम्हारा काम हो गया, ये गलत है। दरअसल इसलिए बुद्ध प्रस्ती का, अंधभक्ति का विरोध किया जाता है। इसी विरोध को वो जो लोग हैं अपने मन मस्तिष्क में बैठाए हुए हैं, उनको वही बुद्ध प्रस्ती याद है जो काबा के अंदर हुई थी। इसलिए हर बुद्ध उनके लिए बराबर है, हर मूर्ति उनके लिए बराबर है। वो भगवान बुद्ध की मूर्ति को नहीं तोड़ रहे हैं, कोई भी मूर्ति होगी वो उससे डरते हैं, उससे घबराते हैं, क्योंकि व्यक्ति इनकी प्रस्ती ना करना शुरू कर दे, ह्यूमन को ना भूल जाए, बातों को ना भूल जाए, संत को ना भूल जाए, इसलिए तोड़ देते हैं। इसलिए तोड़ी गई हैं, इसलिए तोड़ देनी ठीक भी है और बनानी भी ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे को याद दिलाना है। मगर जो समझदार है, जो जानकार है, उसे मूर्ति के होने से या ना होने से लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध ने क्या कहा, मुझको देखना हो तो धम्म को देखना। धम्म क्या है, धम्म वो है जो सच्चाई लेके आता है, जो ईमान लेके आता है, जो ट्रुथफुलनेस लेके आता है, वो धम्म है। तो उन्होंने कब कहा कि जब मुझे देखना हो तो मेरी मूर्ति बना के देख लेना, उन्होंने कब कहा कि मेरे जैसी मूर्ति है, कोई नहीं जानता कि भगवान बुद्ध का असली चेहरा कैसा था, कोई नहीं जानता कि उनका रूप रंग कैसा था। किसी ने 32 लक्षण लिख दिए, किसी ने चर्या लिख दी, वो भगवान बुद्ध की नहीं है। भगवान बुद्ध की ओरिजिनल जो थीसिस है वो बहुत कम है, ओरिजिनल जो वाणी है वो बहुत कम है, बाकी टीका टिप्पणी है, भाष्य है, लोगों ने अपने हिसाब से काल्पनिक बना के गढ़ी हुई है। लोग उसको मान लेते हैं क्योंकि वो भी पाली में ही लिख दी है, मगर वो सब गलत है। वो किसी भी हालत में जो आलार कलाम का सूत्र भगवान बुद्ध ने चेक एंड बैलेंस दिया है उस पर सच नहीं उतरती। भगवान बुद्ध जैसा संत या मोहम्मद साहब जैसा संत या ईसा मसीह जैसा संत कभी भी ये नहीं कहेगा कि तुम मेरा फोटो लेके घूमो, तुम मेरी मूर्ति बनाओ, तुम मेरी पूजा करो, तुम मेरे पत्थर की बड़े बड़े शिलान्यास बनाओ, मेरे आल्य बनाओ। वो हमेशा ये कहता है सच्चाई प्याना है, ईमान प्याना है, ईमान ही जिंदगी है, सच्चाई जिंदगी है, ट्रुथफुलनेस जिंदगी है, और यही सब कुछ है। यानी वो सब कुछ इसी को बताते हैं। इसलिए जिसने भी ये भेजा है मेरे पास में, वो नहीं जानता कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों को, और अगर कोई सच में ईमान वाला है, यानी मुसल्लल ईमान वाला है, ईमान वाला है, या सच में कोई ईसा मसीह की बात को मानने वाला है, तो वो कभी नहीं इनसे घबराता, वो कभी नहीं इनसे डरता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी कितना भी उनको लड़ाए, वो नहीं लड़ते, उनको लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी तो ना बुद्ध को फर्क पड़ता है, ना उनकी अनुयायी को फर्क पड़ता है। वो बनाई तो भी फर्क नहीं पड़ता है। वो पत्थर है
पत्थर की मूर्ति कभी भी बनाई जा सकती है और मूर्ति को पत्थर में कभी भी बदला जा सकता है। जिसका विचार खराब होता है उसकी लाख मूर्ति बना लो वो कभी नहीं रुकेगी, और जिसका विचार अच्छा होता है मनुष्य के कल्याण के लिए होता है उसकी मूर्ति बनाओ या ना बनाओ वो हमेशा रहता है। बहुत सारी दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं, जीवित लोग हैं, जिनके विचार आज के समय में खराब सिद्ध हो रहे हैं और लोग उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, और जगह जगह से खबर आ रही है कि फलाने आदमी की मूर्ति तोड़ दी, फलाने आदमी का गिरा दिया, फलाने आदमी को मार दिया, क्योंकि जहरीले विचार ज्यादा दिन नहीं चलते। जहरीले विचारों की मूर्तियां टूटती ही टूटती हैं, जब उनका शासन खत्म होता है तो शासन के साथ में उनके सारे चिन्ह खत्म हो जाते हैं। मगर बुद्ध या ईसा या मोहम्मद जैसे जो लोग हैं इनकी मूर्तियों की आवश्यकता नहीं होती, इनके विचार जीवन में सच्चाई लाने वाले हैं, इनकी मूर्ति हर एक व्यक्ति के दिल में स्थापित होती है। इनका अगर अनुयायी सच्चा होगा जो इनकी बात को मानता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, और इनका अगर अंधभक्त होगा तो वो कोई मूर्ति टूटता हुआ देखेगा या कोई किसी ने कुछ देखा, कोई किताब का पन्ना फाड़ा या किताब को दबा दिया या कहीं गाली बक दी या गलौज कर दी, तो वो बेअकल कम अकल, क्योंकि संत रहे तो कहा नहीं लड़ो उसके लिए, वो लड़ना शुरू कर देगा। यानी संत नहीं कह रहा है मगर वो ये दिखाने के लिए कि देखो संत, देखो मैं तुम्हारे फेवर में कितना मैं तुम्हें मानता हूं, इसने तुम्हें अपशब्द कहा मैं लड़ूंगा। अरे संत ने कब कहा कि मेरे को अपशब्द कहे और तू जाके लड़? एक भी संत ने दुनिया में ये नहीं कहा कि कोई मुझे गाली बके तो तुम जाके लड़ना, एक घटना नहीं है ऐसी पूरी दुनिया में। लोग खुद ही अपने आप को भक्त बन के, अपने आप को चेला बन के लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब किसने कहा कि मैं अगर मुझे कोई गाली दे तो तुम जाके लड़ना? कोई एक भी उदाहरण ऐसा है नहीं। मोहम्मद ने, बुद्ध ने, ईसा ने कब बताया कि पत्थरों की मूर्ति बनाना, फिर उनको पूजना और फिर आपस में लड़ना? यानी जिसके दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं वही ये काम करेगा कि उस पत्थर में से पहले एक मूर्ति निकालेगा, फिर उसको सब कुछ मानेगा और फिर दूसरी मूर्ति से जाके लड़ेगा और मूर्ति वालों से लड़ेगा। मगर संत ने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम पत्थरों में से मूर्ति निकालना और फिर आपस में से लड़ना, या तुम हमारी मूर्ति बनाना, या कोई अगर हमें गाली बके तो तुम जाके खड़े हो जाना हमारे तीमारदार और हमारे वकील बनके कि देखो संत मैं तुम्हें मानता हूं, इसने तुम्हें गाली बकी है तो मैं लड़ूंगा। अरे संत ने तो कहा नहीं, तू जाके क्यों लड़ रहा है वहां जाके? कहीं कोई संत लिख के गया हो, बता के गया हो कि जब कोई मुझे गाली बके, जब कोई ये कहे कि मैं संत को नहीं मानता हूं तो तू जाके लड़ना? खामे काहीं लड़ रहा है, खामे काहीं जहर को फैला रहा है, खामे काहीं संत की वाणी को खराब कर रहा है, संत के नाम पर संत को और बदनाम कर रहा है, मतलब खुद तो नालायक है ही, संत को और लपेटे में ले रहा है, तो संतों को तो छोड़ दो कम से कम। जिसने भी ये वीडियो भेजा है उसका मन अच्छा नहीं है, क्योंकि वीडियो ना भेजता तो अच्छा था, कोई अच्छी बात इसमें है नहीं, तोड़ फोड़ चलता रहता है। जो वो भेज रहा है लड़ाने भड़ाने के लिए है, इसलिए मेरा निवेदन सबसे ये है कि जिन जिन लोगों ने भी ये क्लिप देखी है वो इस वीडियो को आगे भेजें। दरअसल भगवान बुद्ध हैं या ईसा मसीह हैं या मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने प्यार ही फैलाया है, प्यार करुणा ही फैलाई है। इसके अलावा अगर कोई चीज जहरीली है तो वो बाहर से बन के आई है, थोपी गई है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा ना ही ऐसा करने के लिए कहा है। प्यार से रहिए, प्यार को बढ़ाइए, मूर्तियों में पत्थरों में कहीं कुछ नहीं रखा, मनुष्य इनको हजार बना सकता है, हजार बार तोड़ सकता है, पत्थरों का टूटना पत्थरों का बनना चलता फिरता रहता है। सम्राट अशोक ने 84,000 पत्थर बनवाए, किताबें बनवाई, लोगों ने तोड़ दी, फिर बने लगी हैं, फिर कोई आएगा फिर टूट जाएंगी, ये तो सर्कल है, चलता रहता है, इससे नहीं नहीं घबराना है। मगर उनकी जो बात है, संतों की बात है, उसको मानना है, प्यार को फैलाना है, प्यार बांटते हुए चलना है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है
कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Yeah.